और टीम ने एंट्री कर दी है ए प्लान ए साइड की तरफ और सारे प्लेयर्स डाउन होते जा रहे हैं। ब्रेज ओपी काफी अच्छा खेलते हुए पूरे अच्छी तरफ से उन्होंने ए साइड को डिफेंड किया हुआ है। स्मोक उठ चुका है। One enemy remaining. So, there is a change in my voice. अभी मैं puberty hit कर चुका हूँ just 10 second पहले and हमने देखा नियो ऊपर आसमान को देख रहे थे, शायद अल्लाह को याद कर रहे थे इस क्लच करने के लिए। अभी देखते हैं वो 1v3 निकल पाते कि नहीं अल्लाह की ताकत से। नियो दीवार को अच्छे से घूरते हुए लाइक उसे टेक्सचर बहुत पसंद आ रहा होगा। सामने उसके बॉम्ब पड़ा हुआ है, उसे टरेट दिखा जहाँ उनके ओपोनेंट एकदम उसके उल्टा देखते हुए कुछ नहीं आइडिया। उसने टरेट को फ्लैश किया, टरेट फ्लैश हो गया, टरेट पे बॉल मारा एंड फिनिक्स डिफ हो गया अभी। यस, लेकिन 11 सेकंड बचे हैं उसके पास जो कि बहुत कम है। यस, सो लॉर्ड जैक ने उसको मार दिया। नियो 11 सेकंड में देखते हैं सेज कैसा वॉल करता है। ऐसा सीधा फड़क से वॉल यहां पे आम आदमी वॉल करने के फिराक में। ठीक है, अपन एक्शन की तरफ देखते हैं। यस, क्योंकि आम आदमी जेल में पहुंच चुकी है। यस, यहां पे ब्रिज चार्जेस लीड करते हुए कोने में उसे देख लिया, कोई नहीं है। स्मोक के एज पर छुपे के सामने भी कोई नहीं है उसके, क्या करेगा ब्रिज। यहां पे पहले से हैंडीकैप मैच है, उसमें से अभी इवन हो चुका है क्योंकि उनके भी एक प्लेयर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं शायद कुछ राउंड के लिए। यस, यहाँ पे लॉर्ड जैक होमी ने यहाँ पे वीवो को कैप्टन को मार दिया है। यहाँ पे पूरे के पूरे एक भी लाइक मैन लूज ना करते हुए उन्होंने कर दिया इस राउंड को अपने खाते। 4v5 होके भी दो राउंड निकालते हुए। बट यस, वीवो इज द प्लेयर टू वॉच दिस टाइम एंड सीधा मिड में प्ले हुआ। अभी लॉर्ड जैक के साथ उनका कांटेक्ट होगा, उन्होंने होमी को भी स्पॉट किया। लॉर्ड जैक विल बी डाउन बाय लेग क्या कप्तान क्लच कर पाएंगे। यस, उसके नीचे देख एक वैंडल पड़ा हुआ है, स्पेक्टर फैंटम पड़ा हुआ है बट उनको शायद नहीं। ओके, नाइस, मुझे लगा उनको शायद स्पेक्टर पे फैंटम से ज्यादा हो रस है। ना ना भाई, बट मेरे हिसाब से तो स्पेक्टर जितने फैंटम भी बेवफा है, कभी हेड पे 140 का डैमेज देके चले जाए आपको पता नहीं चलता। बेवफा तो वो भी हुआ करती थी। मूविंग ऑन, यहाँ पे ओमी ने स्पॉट पर फ्रिज को वॉल थ्रू मार दिया। बहुत ही अच्छा गेम सिंस यहाँ पे, बट वीवो ने यहाँ पे एंगल होल्ड करके उनको अपने चंगुल में ले लिया। यस, यहाँ पे स्प्लिट खेला जा रहा है, शायद पहले इनके पास प्लेयर्स कम है, फिर भी स्प्लिट करना जरा। यहाँ पे लॉर्ड जैक पुश करके अपना डिसीजन चेंज करते हैं, तो पीछे आ जाता है। देखने के बाद भी उन्होंने ब्लाइंड पुल आउट कर लिया था। बट यहाँ पे नियो लकी थे क्योंकि उनकी अल्ट थी, वो खुद नहीं आए। बट अभी जैसे उनके साथ हुआ है वो खुद आना भी नहीं चाहेंगे। अच्छा टाइमिंग मॉली पे। यस, मॉली बहुत सही टाइम पे हुए, कुछ सेकंड जरूर होल्ड करा पाएगा। काफी अच्छे पोजीशन पे है। यस, ये चेक होगा।
बट आम आदमी को हमने नोटिस किया है जब भी वो अच्छी पोजीशन पे होता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनफेयर होता है और वो मैच के बाहर चले जाते। यहाँ पे सब लोग होल्ड करना प्रीफर कर रहे हैं, शायद मिड से रोटेट करने की कोशिश। यस नहीं, मिड से नहीं, पूरे स्पॉन से रोटेट करनी है। यहाँ पे बिचारे अकेले सामने वाले टीम के सेज यहाँ पे खड़े हैं, उनको शायद यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोका है और बाकी के दो लोग गए हैं बी पे। बट बी पे यहाँ पे ओमी है जो कि बहुत लीथल साबित हो सकते हैं उनके लिए क्योंकि उनके साथ है पूरा पूरा केजे का सेटअप। और यहाँ पे नियो और रेड आए हैं, दोनों भी ओमी के सामने पता नहीं कैसे परफॉर्म करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने नियो को तो रोक लिया है, वहाँ पे नियो वहाँ पे हील करना प्रेफर करेंगे बट उन्होंने अपनी लोकेशन भी रिवील कर दी। अभी यहाँ पे प्लांट तो हो गया बट आई डोंट थिंक ब्रीच यहाँ पे जिंदा रहना चाहिए। एंड ये क्या, फ्लैश ने बचा लिया, फ्लैश ने बचा लिया। यस वो भी फ्लैश हो गया गलत टाइमिंग पे। यहाँ पे अल्ट निकालने की पता नहीं अल्ट करेंगे यानी मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके दोस्त को बेट करके खेलेंगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। बट स्टिल दोनों के बोट हाउस है जो कि बहुत गलत पोजीशन है, मोस्ट प्रेडिक्टेबल पोजीशन है यहाँ पे बी साइड पे। और यहाँ पे फ्लैश कर दिया फिर भी नियो मर चुके हैं यहाँ पे, बट उनको पता नहीं उनके आम आदमी ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड दोजन को वहाँ पे मारा। यहाँ पे टीम ओमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। खुद को फ्लैश कर दिया फिनिक्स ने। रे जो तूने बहुत वियर्ड ब्लाइंड किया वहाँ पे, पता नहीं क्यों दीवार पे पटक के किसको ब्लाइंड करना चाह रहे थे। यहाँ पे रे जो की वो शायद अंदाजा है मिड में कोई है तो वो फायरिंग कंटिन्यू करना चाहेंगे। और यहाँ पे ओमी अकेले होल्ड करते हुए बी पे, उनके सामने तीन तीन बंदे, देखना पड़ेगा कितने टाइम तक होल्ड करते हैं क्योंकि ब्रिजेस ब्रिज के पास गन्स एंड फ्लैशेस बहुत है। यहाँ पे लॉर्ड जैक है तो सही बट वो पीक लेने के लिए थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। यहाँ पे लॉर्ड जैक रीलोड पीक को ये पहली बार देखा मैंने, रीलोड करते करते पीक लेना। लॉर्ड जैक हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें करते हैं। यहाँ पे वीवू ने अपने अल्ट पॉप अप कर लिया है बट वीवू नाइस वीवू को मार दिया लॉर्ड जैक ने। यहाँ पे अब एक्चुअली पूरी टीम को साइड जाना चाहिए था रेड आई के साथ, तब जाके कुछ चांस था बट सब लोग ने वो एबिलिटीज से डर के थोड़े पीछे हो गए थे। और इसी के साथ ट्रू ओमी के खाते में और एक राउंड, क्योंकि इस मैप में सेंटिनल होना बहुत जरूरी है नहीं तो बी साइड आपकी फ्री में चली जाती है अपोनेंट्स की। कॉमन मैन को शायद उतरना नहीं चाहिए था वहां से। देखते हैं उनकी वॉल उनको कितने समय तक बचा के रखेगी। तो कॉमन मैन के रिफ्लेक्सेस थोड़े कॉमन है बहुत कॉमन है, ठीक है चलता है बट उनको यहाँ पे पीक नहीं लेना चाहिए था क्योंकि सामने भी थे। और वीवो ने शायद पे ब्लाइंड वेस्ट कर दिया क्योंकि उनके टीममेट सामने सामने ब्लाइंड कर रहे थे, उनको शायद सीधा अंदर चला जाना चाहिए। ठीक है यहाँ पे ओमी ने बी से ए पे आके अच्छा खासा अपने टीम को स्पेस दिलाया वहाँ पे। बट पता नहीं यहाँ पे निक और लॉर्ड जैक क्या कर रहे हैं। लॉर्ड जैक ने उधर अच्छा मेरा अल्ट वेस्ट हो गया, अल्ट वेस्ट हो गया उनका एंड ओमी ने क्लच कर लिया। यस ओम एक्चुअली अच्छा अल्ट था उनके लिए। अब कॉमन मैन शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस में वॉल की जगह इस बार वो पीक लेने की कोशिश करेंगे शायद। और ये बहुत ही सीधा वाइन कंट्रोल। यस ठीक है अगर फ्यूचर में वो लोग ये आते तो। यस आउट ऑफ चार्ज कॉमन मैन का एड्रेनलिन शायद रश हो चुका है थोड़ा सा। ऑलराइट लॉर्ड जैक ने उसको स्पॉट कर लिया, वी विल चेस हिम डाउन टू सी व्हाट कंट्रोल ही कैन फाइंड। उसको मार्केट पे कंट्रोल मिल चुका है लॉर्ड जैक का इंफॉर्मेशन के थ्रू, उसके टीममेट ने लॉर्ड जैक को डाउन कर दिया। नाउ दे आर हैविंग द कंट्रोल ऑफ द बी साइड यहां पे बट दे डोंट नो कि ओमी बोट हाउस पे बैठा हुआ है। यहां पे वन किल मिला, यस ब्रिज का किल मिला और यहां पे नाइस ओमी ने यहां पे बहुत अच्छा होल्ड दिखाया ट्रू सेंटिनल मेन यहां पे दिखते हुए। नाइस एस फॉर ओमी। यस क्या ओमी की एस होगी, क्या ओमी की एस है। ओमी गो नाइस ओमी अपने से ट्राई कर रहा हूं।
विक्स बम लगा करना पड़ेगा। और यहाँ पे ओ नाइस, यहाँ पे कॉमन मैन ने फिर से अनकॉमन हरकत कर दी है। बहुत अजीब खेल रहे, पता नहीं कभी कभी डर के कभी कभी घुस के। और यहाँ पे कॉमन मैन की होते होते रह गई है, बहुत ज्यादा खतरनाक। यहाँ पे घुस के अटैक किया है, विवू ने एस रोकी है, बट कॉमन मैन ने इस राउंड में जो उनको नुकसान किया है वो बहुत डेंजर है। यहाँ पे विवो मिड पिक लेंगे जो कि अकेले बंदे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, बट लकीली उनके लिए मिड में कोई है नहीं, सब लोग वहाँ पे पे डेरा लगा के बैठे हैं कि विवो को पकड़ के मारेंगे। और यहाँ पे रे जो पीने विवो को आना चाहते हैं, बट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन मैन अभी पिछली बार की तरह सिली मूव नहीं कर रहे हैं, वो अभी पीछे आ गए। कॉमन मैन के बहुत स्मार्ट मूव देखते हुए उन्होंने अभी तक रिजरेक्ट नहीं किया है किसी को, जरूरत नहीं पड़ी। यस, वो खुद अकेले चार बंदों को लेके जा रहे हैं, मतलब क्या ही रिजरेक्ट करेंगे उस सामने वाले। और यहाँ पे थोड़ा सा बैकआउट रेज, ओपी भी पीछे आ चुके हैं। अच्छा मूव था, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये राउंड शायद शायद फाइनली वीवू के राउंड में जाए, क्योंकि वीवू ने अल्ट पॉप कर दिया यहाँ पे। और रैना की अल्ट अभी बहुत ओपी हो चुकी है पहले के मुकाबले। यहाँ पे मिड जाने का लॉजिक नहीं समझा, क्योंकि प्लांट कर सकते थे वहां पे वो। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, टर्न आउट। और यहाँ पे ओमी ने अल्ट के बदौलत सबको पीछे थोड़ा सा पुश जरूर कर दिया है, साइड पे वापस कंट्रोल लिया। और नहीं, मैंने बोला था जैसे कि व्यू के खाते में राउंड जा सकता है, बट नहीं, अल्ट ने पूरा उनको उन्हों रिवर्स कर दिया है। अभी 2v1 मामला है वापस से। वीवो शायद बी जाने को ट्राई करेंगे, जाना चाहिए एक्चुअली उनको, बट नहीं, वीवो यहीं पे आएंगे क्योंकि ओके वीवो डाउन हो चुके हैं यहाँ पे लॉर्ड जैक द्वारा, अंडरस्टैंडेबल। और यहाँ पे ओमी ने फाइनली साइड स्विच कर दी, वो बी से ए आ चुके हैं। और सेटअप अच्छा खासा केजे का लग चुका है ओमी का। ओमी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनिशिएटर और सेंटिनल्स के खेल सेंटिनल्स के साथ खेलने का। कॉमन मैन बी पे अकेले और वो एडवांस पुश के लिए जा रहे हैं, बट वहां पे वीवू ने लॉर्ड जैक को धर लिया है, बट लॉर्ड जैक पता नहीं क्या कर। और यहाँ पे बहुत ही डेंजर इंकाउंटर, कॉमन मैन यहाँ पे वापस जीत चुके हैं शायद। कॉमन मैन थोड़ी सी अनकॉमन करेज दिखाते हुए, उनके अंदर आज शायद ज्यादा एक्स्ट्रा उनका लक बफ हो चुका है शायद, बहुत इनके लकी शॉट्स इतने मतलब। और ओमी ने यहाँ पे बोलते ही बोलते नियो और शार्की को वहाँ पे डाउन कर दिया है। जब जब लगता है टीम वीवो एक राउंड निकालेगी, ओमी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि उनके ही खाते में वापस राउंड चला जाता है। रे जो चले गए वो भी, नहीं नहीं मिड में कोई ना कोई तो मेरे हिसाब से पीक लेके मरेगा। लेट्स सी, नहीं क्लो ने वहाँ पे कर दिया है। सारे के सारे ऑपरेटर लेके बैठे आई गेस। कॉमन मैन ने वहाँ पे नियो को मार दिया, कॉमन मैन बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पे। ओमी यहाँ पे ऑपरेटर के साथ जरा सा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, सेंटिनल्स पे ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है कभी कभी। और वहां से कोई ओमी शायद गन स्विच करके घुसना प्रीफर करेंगे, क्योंकि उनके लिए वही बेटर। मैंने जैसे कि बोला ओमी ने गन स्विच कर लिया है, वही बेटर ऑप्शन। जब आपके पास पैसे हो तो दो दो गन लेना, क्या ही फर्क पड़ता है। और ऐसे भी सामने अपोनेंट्स है उनके जिनको मार के इजीली गन ले सकते, तो नो प्रॉब्लम। ओमी के लिए ज्यादा बड़ी डील नहीं है किसी को। और यहाँ पे फिर से अपने खाते में ले लिया राउंड, इस बार तो प्लान भी हो चुका था, बट उनका नसीब का बहुत गलत अल्ट था। यस, शायद उन्होंने खुद की टीम के लिए ही चारा बिछा जाता। यस, कवर खोद दी, साथ स्पाइक लेके जाएंगे। एंट्री फ्रैगर बन रहे सेंटिनल होके, बट देखते कि अपनी टीम को अच्छा ऑर्ब चाहिए था। अभी देखते हैं रेज ओपी उनको कितना अच्छे से एंट्री दिला सकते हैं। ड्यूलिस्ट यहाँ पर रेज ओपी ने निक को मार दिया, क्योंकि निक देख रहे थे दूसरे साइड। वीवू भी डाउन हो चुके हैं यहाँ पे। यस, और ओमी को यहाँ पे शेरिफ मिल चुकी है, जो कि बहुत अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि उनका बहुत अच्छा एम है। एंड लास्ट नियो पता नहीं किधर भटक रहे हैं। नियो शायद सोच रहे होंगे मैं फ्लैंक करके जाऊंगा, बट फ्लैंक करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि चार चार बंदे प्लस टरेट वहां पे उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां पे रेज ओपी ने रश कर दिया, और यहाँ पे फिनिक्स डिप वापस हो चुका है। पिछली बार नियो ने रेज को मारा था, इस बार यस लॉर्ड जैक 750, बट सपोर्ट भी उतना ही जरूरी है। यहाँ पे रहे जो भी से नियो को धर लिया है अपने चंगुल में। यहाँ पे दो जनों ने पीक लिया था, बट मारा उन्होंने सिर्फ ने।
नियो को शायद रश नहीं करना चाहिए था यहाँ पे लॉर्ड जैक डाउन हो चुके हैं, बट नॉट बिग लॉस क्योंकि वो इतना प्रदर्शन दिखा भी नहीं रहे, बट स्मोक्स की डिफ की वजह से जरूर हार सकते हैं। बट वहाँ पे वीवू जो है वो काफी ज्यादा डाउन है। हाँ, बट रेजोपी को उनकी लोकेशन पता है क्या? नहीं, रेजोपी मर गए वहाँ पे, वीवू भी डाउन हो चुके, कॉमन मैन ने हेडशॉट दिया है उनको डायरेक्ट। यहाँ पे 2v2 सिचुएशन, मेरे हिसाब से ओमी ये मैच जीत गए और ओमी ने ये मैच अपने चंगुल में कर लिया है 12 राउंड के डिफरेंस के साथ। बहुत ही खतरनाक मैच देखते हुए दो दो एस ऑलमोस्ट हम लोग ने देखी, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया।